हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मुनावर फारूकी की स्टैंड अप कॉमेडी से हंसते हंसते घर वाले हो चुके हैं लोटपोट। मुनावर बोलते हैं कि बाहर एक टूथपेस्ट के साथ एक साबुन फ्री का ऑफ़र चल रहा है, चलते रहते हैं इस तरीके के ऑफ़र। और वो इस ऑफ़र के ऐड के लिए भाई नेजी आपको कास्ट करना चाहते हैं ताकि आप आके बोलो अरे भाई तू ज़्यादा फ्री हो रहा है, ज़्यादा फ्री हो रहा है। और आप लोगों ने ये तो नहीं समझा कि ये जोक मैं मार रहा हूँ फ्री वाला, एक के साथ एक फ्री वाला अरमान मालिक के लिए। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अरमान के लिए नहीं मारा। घर के अंदर जब इंटरव्यू हुआ नेजी का तो नेजी ने बोला अरे क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है। और अगर आप घर के बाहर नेजी का इंटरव्यू देखोगे तो इंटरव्यूअर नेजी को बोलता है अरे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अभी कहाँ छोड़ने वाले थे मुनावर नेजी को। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अरे नेजी भाई ऊपर क्या देखते रहते हो कि कबूतर ने अपनी बीट कब चेंज करी। शायद आप ऊपर देखते रहते हो, इसी चक्कर में आप फ्लश करना भूल जाते हो, वो पॉटी रह जाती है। तो सभी घर वाले इतना ज़्यादा हंसते हैं। इस बार बिग बॉस ने राशन कम भेजा है, शायद नेजी को वो अपने घर की याद दिलाना चाहते हैं। ये वाली लाइन बहुत ऑकवर्ड लगी। इस तरीके से किसी के घर का नहीं मजाक उड़ाना चाहिए, किसी के राशन का। बाकी और सब चीज़ें ठीक है, कॉमेडी में आप कर रहे हो, किसी को रोस्ट तक कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये राशन वाली बात थोड़ी बहुत बुरी लगी। इसके बाद वो कटारिया को बोलते हैं अरे भाई विशाल ने भारदा के इंटरव्यू में बोला है कि वो कभी शादी नहीं करेगा क्योंकि लव के ऊपर से उसका भरोसा ही उठ चुका है। आगे अरमान मलिक के लिए बोलते हैं कि जो अरमान मलिक सिंगर है उन्हें फालतू का आपके चक्कर में गालियां पड़ रही हैं, दो गुना पड़ रही हैं, यानी कि एक गुना तो उन्हें पड़ चुकी हैं, एक गुना आपको ही पड़ रही हैं। इस घर में जो बाहर वाला है उसका सीक्रेट बताता हूँ कि वो कितने दिन के लिए बाहर वाला बनता है, और 7 दिन के लिए बनता है, और जो अभी बना हुआ है लड़का या लड़की जो भी बना हुआ है वो भी 7 दिन से है। और अरमान मलिक की ज़िंदगी में तो 7 दिन बाद बाहर वाली 8वें दिन घर वाली बन जाती है। मुनावर बोलते हैं कि अरमान मलिक ने एक नेजी का पॉटी वाला किस्सा उठाया था, जबकि वो थोड़ा हिंदी में बोलते हैं, मैं पॉटी बोल रही हूँ, कि पॉटी वाला एक मुद्दा उठाया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार ही मुद्दा उठाया, उनके सारे मुद्दे ही वही होते हैं, पोटी ही होते हैं। अब अपनी वाइफ को लेके, कृतिका मलिक को लेके वो बड़ा प्रोटेक्टिव है। अब भाई कृतिका मलिक के सामने अगर कोई अरमान मलिक को बोलेगा कि हाँ ये बड़े सुंदर है, बड़े हैंडसम है, तो कृतिका मलिक भी भाई चमांड मारेगी सीधा, अरे बहन कहाँ से लग रहे हैं तुझे सुंदर, ये इंसान कोई सुंदर है। आगे वो रणवीर को बोलते हैं कि यहाँ जो एक टास्क हुआ था भागने वाला उसमें रणवीर जी जीत गए थे, और बाहर ओलंपिक चल रहा है पेरिस में 2024, उसमें वो आपको बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाग भाग के हमारे जरा यहाँ आके अंडे गिनो। आगे वो सना के लिए बोलते हैं कि सना के गालों पे जो डिंपल है ये पहले नहीं थे, इसे उंगली करने की आदत है ना, इस वजह से हुए हैं। तो इसी तरीके की कॉमेडी की है, स्टैंड अप कॉमेडी की है मुनावर फारूकी ने सभी को लेके, और बहुत मज़ा आया लोगों को। और आज के शो में टेलीकास्ट किया जाएगा तब सभी को और ज़्यादा मज़ा आएगा।